कर्नाटक से जो समाचार आ रहे हैं प्रज्वल रमन्ना को लेकर, हम थोड़ा सा बात करेंगे कि काशी के लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो जिस तरीके से लगभग 3000 महिलाओं के साथ सेक्स किया गया, उसको लेकर हम बात करेंगे। प्रज्वल रमन्ना के बारे में लेकर क्या कहेंगे आप? प्रज्वल रमन्ना के विषय में तो आप देश के प्रधानमंत्री जी बताएं, क्योंकि उनके मंच पे प्रचार उनका करने गए थे। सुन, हमको तो जानकारी होता है कि जब पार्टी टिकट देती है तो उनके चाल चरण आचरण संपत्ति का पूरा बाई डाटा मांगा जाता है। अब प्रधानमंत्री जी बताएं उसके विषय में अब क्या होगा, देश तो अब यही जानना चाह रहा है अब क्या होगा। क्या होगा, आप क्या मानते हैं भाई प्रज्वल रमन्ना के बारे में क्या कहेंगे? सबसे मुख्य बात यह है कि राजनीति में आज की डेट में कुछ भी संभव है, हो सकता है। चूँकि अभी बीच में एक वो आया हुआ था, क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया में एक वो आया हुआ था कि जो सेटिंग होती है, क्या कहते हैं, भूल गए हैं, हो सकता है 1% ही सही, 99% तो नहीं, लेकिन 1% उसका भी संभावना बनता है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ और टिप्पणी क्या कहेंगे भैया? अब न्यूज़ चैनलों को इस या पत्रकारों या पेपरों को इससे ही हम लोग को जानकारी हुआ है, हम लोग तो सत्यता वहाँ जाके देखे नहीं हैं, लेकिन सुनने में आया है कि लगभग 20-25 हज़ार या क्या आंकड़ा है। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले मात्र शक्तियों के साथ ये क्या कर रहे हैं, उसमें तो ये भी सुनने को आ रहा है पेपर मीडिया के द्वारा कि 68 साल के मात्र शक्ति को भी नहीं छोड़ा गया है। आप क्या मानते हैं? उसके बाद अब स्वामी जी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या नाम था उनका, सेंगर थे। हाँ। क्या ये टीम लेकर चला रहे हैं क्या देश में? अरे अब तो बकस दें, अब तो छोड़ें ये सब, बहू बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे प्रज्वल रमन्ना को लेकर? देखिए, ये तो सरकार का काम है और सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और जांच करके जांच में ही पता लगेगा कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री प्रचार भी कर रहे हैं उनका? नहीं, क्यों नहीं होगी। ऐसा है कि जो है, ठीक है, कोई मामला आया है तो उसकी जांच तो ज़रूरी है, बिना जांच के किसी को दोषी नहीं पाया जा सकता है। हाँ, कुछ नहीं होगा। अब तक इतने देश में बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही, कहाँ कुछ किए। और सेंगर वाले मामले में परिवार को लड़वा के मरवा भी दिए लोग, अब कहाँ कुछ होगा, कहाँ न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबको न्याय देंगे, कहाँ न्याय, 3000 महिलाओं को न्याय दें। जो देखिए, हम लोग तो पूरा वास्तविकता नहीं पता, लेकिन हम लोग न्यूज़ चैनलों के हिसाब से ही, पेपरों के हिसाब से ही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। आप क्या मानते हैं? बताइए कुछ तो उनके बारे में, अच्छा ही बता दीजिए। मान लीजिए तो लोग बता ही दे, अच्छा ही बता दीजिए प्रज्वल रमन्ना के बारे में। देखिए, हम उनके विषय में जानते हैं। हाँ, तो क्या उसके लिए बताएं आपको? पेपर पर तो देखे ही हो, पेपर में देख रहे हैं कि हाईलाइट है, मतलब बलात्कार कर रहे हैं, तो ऐसा तो पहले छूट मिल गया है कि जिस पद पे है उसका गरिमा बनाए रखा है। अच्छा, गरिमा बनाए रखा है, जिसको गरिमा ही बनाए रखे कहेंगे ना भाई, सजा तो मिलना नहीं है और अंदर जाएंगे नहीं, तो उसको क्या कहा जाए, आप बताइए। तो सरकार कह रही है कि सब चीज़ होगा, इनके ऊपर कब होगा? कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता तब तक हो गया होता। अब किसी गरीब व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कर देना, फिर आप उसको देखिए, उसके मोहल्ले वाले उसको भगा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार प्रसार तेज कर दिए, सिर्फ नेतृत्व प्रचार कर रहा है उनका, तो वो उनका मैटर है भाई, उनके पार्टी के है तो आपको कर। आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? कुछ उसके लिए क्या करना है, उनको बस जीतने दीजिए। जीतने दीजिए, मतलब जीत दिलाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, जीत दिलाकर इतना क्या, आप खुद देखेंगे क्या होगा। वो हारेंगे तो है नहीं, चाहे बलात्कार हो चाहे लूट मार डकैती हो, तो आना है उन्हीं को है। उन्हीं को, थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रज्वल रमन्ना, आप थोड़ा सा बताएंगे, एक मामला कर्नाटक से आया हुआ है प्रज्वल रमन्ना को लेकर, लगभग 2800 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। तो आए हैं तो गलत है,
गलत नहीं ना है, सही ना है, नहीं है जो आया तो सही ना आएगा, गलत आएगा। अच्छा जो न्यूज आया है वो सही है? अबे न्यूज में सही नहीं देगा, अब जनता उसे कोई प्रभावित करेगी? और भी थोड़ा सा लोग हैं, थोड़ा सा और सी जानकारी ले लेते हैं कि जिस तरीके से प्रज्वल रमन्ना को लेकर लोग भाई साहब थोड़ा सा प्रज्वल रमन्ना के बारे में बताइए, जिस तरीके से लोग लगातार ये जानता ही नहीं मैं क्यों बहुत नहीं जो समाचार में तो कुछ सुने होंगे उनके बारे में। आप ही बता रहे हैं, हम आप ही से सुन रहे हैं, क्या बताएं उसके बारे में। ठीक है भैया, तो देखिए काशी के लोग बहुत सारे लोग बताए हैं जिस तरीके से लोग अपनी बातें को लेकर प्रज्वल रमन्ना किस तरीके से नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, आने वाले वक्त में क्या होगा कुछ नया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।